आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं जावेद अख्तर, और आप जैसा कि जानते हैं मैं यहाँ चांदनी की जामा मस्जिद में हूँ। और यहाँ जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि ये हमारे जो साहब हैं उन्होंने अपनी जमीन मस्जिद के लिए, महेश कुमार जी है, और अपनी जमीन मस्जिद के हवाले की है। इस सिलसिले में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले महेश जी से ही जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि मुल्क की जो सूरत हाल है, ऐसे हालत के बावजूद उन्होंने इस तरह से ये बड़ा काम किया है। सर बताइए। नहीं, मुल्क का सूरत हाल जो है वो देखिए, कुछ लोगों ने गलत भ्रम फैलाया है। अब हम लोगों को समझना है और हम लोगों को बुद्धिमानी से काम लेना है। हम लोगों को दूसरे के कहने पे आके अपने घर में आग नहीं लगानी है। तो मेरा तो यही कहना है कि अपने दिमाग से काम करिए, दूसरे के कहने पर मत चलिए। तो क्या आप इससे क्या कुछ, अभी मौलाना साहब कह रहे थे कि बहुत फायदा भी हुआ आपने जो? हाँ, बिल्कुल बता दें, हमने खाली कमिटमेंट किया और मेरा बिगड़ता काम बनने लगा। हाँ, बिगड़ता काम बनने लगा और बनते जा रहा है। हाँ, तो अब सब जो भी हो, हमको सोनू ने और मेयर साहब ने कहा कि आप एक बार मस्जिद को कुछ दे के देखो, देखो अल्लाह आप पर कितना मेहरबान होते हैं। तो हमको फील हुआ कि मेरा ऐसा करने से कुछ चेंजेज आई हैं। और कितनी जमीन आपने मस्जिद करवाई? करीब देखिए, जमीन करीब 0.15 इकट्ठा है, पर कॉस्ट इसका 35 लाख है। तो आप उसके बगल में जो कंस्ट्रक्शन क्या है, किस चीज का कर रहे हैं वो? हम लोग अपना एक कॉमर्शियल कम्प्लेक्स बना रहे हैं, दुकानें वगैरह होंगी कॉमर्शियल। तो ये जो आपने दिया है, तो कुछ लफड़ा शुरू में चल रहा था? नहीं, लफड़ा नहीं होता है। देखिए, बातचीत का बिल्कुल लफड़ा नहीं बोला जा सकता है। यहाँ पर हमको बहुत दुख हुआ, कुछ लोगों ने कहा कि जोर जबरदस्ती लिया गया, और जोर जबरदस्ती पर लिया हुआ जमीन पर नमाज पढ़ने से नमाज सफल नहीं होता है। तो हम बोला कि भाई हम खुद आके मस्जिद में स्टेटमेंट देंगे कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है। जोर जबरदस्ती आजकल कौन ले सकता है, बताइए ना? इतना बीच कलकत्ता में कोई जोर जबरदस्ती हमारा जमीन ले लेगा? ऐसा नहीं है। जो भी हुआ है प्यार मोहब्बत से हुआ। किस पर इल्जाम आ रहा था, मस्जिद कमेटी पे या आपके? नहीं, हमको सुनने में आया कि कुछ लोग मस्जिद में बोल रहे हैं जमीन देने के बाद कि जोर जबरदस्ती लिया गया। तो हम बोले भाई, अगर कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं तो हम खुलेआम सबके सामने बोलेंगे कि हमने खुशी से लिया है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं। और अभी जो हाल चल रहा है उस पर आप क्या मैसेज देंगे, क्या मैसेज समाज को पूरा? हम तो बोला ना, सब लोग आपस में भाईचारा करके रहिए। ये सब अपना स्वार्थी आदमी लोग अपना स्वार्थ उठाने के लिए, वोट लेने के लिए ये सब करता है। आप लोग अपना डिसीजन लीजिए, कहीं अच्छा आदमी है तो बीजेपी को भी वोट दीजिए, अच्छा आदमी है तो तृणमूल को भी वोट दीजिए, अच्छा आदमी है तो कांग्रेस को भी वोट दीजिए। कोई पार्टी को नहीं देखिए, अच्छा आदमी को वोट दीजिए। बहुत अच्छी बात आपने बताया, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ और सबसे बड़ा मसला जो होता है कि मस्जिद जिस जगह पर होती है वो एक चंदे के पैसे की या जायज पैसे की होती है, तो ये इन्होंने जो जमीन दी है उसमें क्या ये जायज है? बिल्कुल जायज है। मुफ्तियान इकराम से पहले इसके मुतालिक मसाइल मालूम किए गए, और मसाइल मालूम करने के बाद फिर इस पर जो है मशवरा हुआ, और मशवरा ये नहीं कि बल्कि अमूमी और खसूसी दोनों मशवरा हुआ। उसके बाद फिर ज़मीन को जो है वक्फ़ की गई। और ऐसे भी कि शरीयत के अंदर है, कोई हदीतन ऐसी चीज़ दे तो उसको लिया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लिया जा सकता, बस ये है कि उसके अंदर कोई ऐसी नाजायज़ चीज़ें ना हो। तो इन्होंने जो ज़मीन दी है तकरीबन जो मार्केट रेट है 35 लाख रुपये की, तो उसमें क्या मस्जिद को तवसी करेंगे या कुछ और वहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे? अभी तो इसके ऊपर जो है मशवरा होगा, और तवसी करने में कोई हरज भी नहीं है जैसे कि इन्होंने दिया गया। बल्कि मस्जिद के जिम्मेदारान ने तो साफ तौर पर यह कहा कि भाई पहले तो मस्जिद के इंतज़ामिया ने सामने बात रखी कि यह मस्जिद में यूं ही लेकर के नहीं ली जाएगी, कीमतन अदा करने की पूरी कोशिश हुई, लेकिन इनकी कि मस्जिद के मोहब्बत और लगाव की बुनियाद पर उन्होंने कहा कि भाई हम अल्लाह के घर में, भगवान के घर में दे रहे हैं तो हमें उसकी कोई कीमत नहीं चाहिए। पहले तो इस बात पर इशारा हुआ, लेकिन उन्होंने गिफ्ट की है और इस पर बिल्कुल तामीर भी हो सकती है, और इस ताल्लुक से जो है उस पर इबादत भी की जा सकती है। फ्यूचर में जामे मस्जिद को शहीद करके, चूँकि ये बहुत कमज़ोर हो चुका है, फ्यूचर में इसको हम लोगों का ये इरादा है तकरीबन ईद के बाद हम लोग इस मस्जिद को फिर शहीद करके फिर से नई तामीर करेंगे। उसके लिए सारे जो भी क्राइटेरिया उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं और मशवरा भी चल रहा है। इसलिए हम आवाम से, पूरे कल बंगाल के मुसलमानों और आवाम से हम ये अपील करते हैं कि इस जामे मस्जिद को बनाने में और अच्छे तरीके से बनाने में पूरा सहयोग करें, इसमें ताउन करें, हर तरह से ताउन करें।
इसकी मजीद जानकारी के लिए आप जामा मस्जिद कमेटी के लोगों से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इसका नंबर वगैरह भी आपको दे दिया जाएगा इंशाल्लाह। और हमारे साथ इस वक्त सोनू मलिक भी है, ये भी बहुत सरगर्म रहे हैं और जैसा कि बहुत पहले इन्होंने कहा कि जो कंस्ट्रक्शन हो रही थी मस्जिद हिल रही थी उस जमाने में, तो भाई अभी उन्होंने मस्जिद ने जो दिया है बड़ा काम किया है। सबसे पहले हम इनसे मिले थाना में, कुछ ऐसी आपस में नाइतफाकी कही हल्की फुल्की लोगों में हो गई थी और उसमें पॉलिटिशियन लोगों की वजह से, तो सबसे पहली मुलाकात इनसे हमको थाने में हुई। तो उस वक्त मैंने कहा कि देखिए हम लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, अगर ये कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म कर लें तो इंशाल्लाह ये काम जो है हल हो जाएगा। और इन्होंने इस बात पे काफ़ी जो है मुतासिर हुए हमसे और कहे कि ठीक है बेटा बात करेंगे, तो हम कहे कि अंकल ठीक है। फिर उन्होंने बुलाया, दो तीन बार चार बार गए इनके यहाँ बैठे, बातचीत किए, बातचीत करते करते अल्हम्दुलिल्लाह ये मामला तय पाया। आप लोगों की क्या मांग थी, क्या चाह रहे थे? नहीं, एक्चुअल मसला यह था कि पहले मस्जिद के पीछे जो जगह है, मेरा कहना था कि कोई भी जो है धर्म स्थल के साथ में आप जोड़ के मस्जिद नहीं बना सकते हैं, आपको कुछ जगह छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मेरी जगह एकदम एंड पॉइंट तक है, तो हमने कहा देखिए अगर खोद के जाएंगे कुछ भी करेंगे तो आपस में, लेकिन अगर सटा के बनाएंगे तो कल होकर के हम रिपेयरिंग करेंगे कुछ भी करेंगे तो आपस में परेशानी बहुत बड़ी आएगी, तो इसलिए बेहतर होगा कि इसको आप छोड़ के बनाएं। तो उन्होंने कहा अपनी जगह से क्यों छोड़ेंगे, इसी बात पर काफ़ी डिस्कशन चलता रहा। तो हम लोगों ने कहा कि फिर ऐसा है कि आपको जमीन जो है वो फरोख्त कर दें, बेच दें, हम लोग परचेज कर लेते हैं, इसलिए कि सटके तो बनने का मसला नहीं है, कल किसी तरह का मामला आएगा तो कहाँ से क्या करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हम लोग की आपस में बात होते होते ये मसला तय पाया कि नहीं ये जगह जो है हम बेचेंगे नहीं, हम अल्लाह को कैसे कुछ बेच सकते हैं, उन्होंने ऐसी वर्ड कहा। हमने कहा कि देखिए तो आप दीजिए, ऊपर वाला आपके लिए भला करेगा। यही बात हम लोग मेयर साहब के पास गए बैठे बात किए, तो उन्होंने भी यही बात बोला कि आप जो है मस्जिद को देखिए, आपका ऊपर वाला देखिए क्या भला करता। फिर इनको भी ऐसा लगा कि नहीं, जैसे ही मैंने कमिटमेंट किया कि मैं देता हूँ तो मेरा भला हो रहा है, तो बहुत खुश हुए कि दिया। तो फिर मैंने कहा कि देखिए मस्जिद में हम कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं ले सकते हैं, तोहफा के तौर पे भी कहीं ना कहीं लोग तनकीद करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है मुझे तोहफा के तौर पे कुछ भी दे दोगे मैं कबूल कर लूँगा, लेकिन मैं इसको बेचूंगा नहीं, मैं तोहफा दूंगा तुम भी मुझे तोहफा दे सकते हो। तो बस यही बात रही और इस पर अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है सारे काम को जो है। और एक जो मार्केट पे या बाजार में जो मामला चल रहा है वो ये कि जबरदस्ती नहीं, ये बात मार्केट में लोग से जो भी लोग इस अफवाह को फैलाए हैं वो गलत फैलाए हैं, और यूं समझिए कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे कामों के अंदर जो है नुक्ताचीनी करते हैं। हालांकि उन्होंने हमसे तहकीक की, मैं यहाँ का इमाम हूँ, हमसे उन्होंने किसी ने तहकीक नहीं की कि भाई ये जबरदस्ती है ये क्या है। और मैंने भी कहा जी, और मैंने भी कहा कि जो मस्जिद के पीछे में जो जगह है जो इन्होंने दिया है उस जगह पे हमारा कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं होगा, इसलिए कि वो 1.5 फीट जगह और 2 फीट जगह, 14 फीट तक 2 फीट है, उसके बाद 50 फीट तक जो है 63 फीट 64 फीट लंबी मस्जिद है, तो वहाँ पे 1.5 फीट है। तो हमने कहा कि इसमें हम जो है और भी मस्जिद जगह छोड़कर उसके बाद इस पे जो है कंस्ट्रक्शन करेंगे और वो हमारा पीछे से एक रास्ता बन जाएगा मस्जिद के लिए, इमरजेंसी एग्जिट के काम में आ जाएगा और हमारा रंग वगैरह करने के भी काम में आ जाएगा। तो उनको ये भी बात समझ में आई कि नहीं सही बात है, मस्जिद के जो है पीछे से कोई भी काम करने के लिए रहेगा, रंग वगैरह करना होगा, पेंट है, कुछ भी तरीके का काम होगा तो कर सकते हैं और प्लस इनको इमरजेंसी एग्जिट मिल जाएगी। तो इसके लिए तो इसलिए मैं ये अपील करता हूँ कि हर लोग मस्जिद के तामीर के लिए ज्यादा से ज्यादा बढ़कर ताउन करें और खुशी दिल से रमजान के बाद जो है इंशाअल्लाह रमजान के फौरन ईद की नमाज के बाद मस्जिद के तामीरी काम शुरू हो जाएगा। रमजान के बाद नहीं, ईद के बाद, ईद के बाद यानी कि ईद की नमाज अदा करने के बाद फौरन तामीरी काम शुरू कर दिया जाएगा जामा मस्जिद धर्मतल्ला लिनन सरानी 162। तो उन्होंने जो जगह छोड़ी है वो आप मस्जिद की उसमें आप तामीर कर सकते हैं। उन्होंने जो जगह छोड़ी है वो जगह हमारा पैसेज में रहेगा, वो जगह जो उन्होंने जगह छोड़ा है वो इमरजेंसी एग्जिट हमारा पीछे से रास्ता रहेगा, हमारा पीछे से रास्ता रहेगा और वो जगह में हम और मस्जिद अपनी जगह भी छोड़ेंगे, छोड़ के अपने जगह को चौड़ा करके पीछे से जगह बनाएंगे, रास्ता बनाएंगे, वहाँ हमारी कोई तामीर नहीं होगी, वो ओपन टू स्काई रहेगा सदा के लिए। इनको भी मैंने ये जुबान दिया है कि ओपन टू स्काई रहेगा, इसलिए हम उधर से पैसेज रास्ता निकालेंगे, हमारा एक रास्ता इधर से रहेगा एक रास्ता वो रहेगा हमारा। इसमें पहले हम तो शरई एतबार से इसके अंदर तो कोई मुदाखलत नहीं है, इसलिए मुफ्तियान किराम से इस ताल्लुक से जो है मसाइल को भी मालूम किया गया, अव्वल तो इसके मुतालिक पहले पूछा गया, उसके बाद फिर जो है इस पर काम आगे शुरू हुआ। जी ये बताइए जो इतना सारा कुछ मस्जिद ने इतना बड़ा काम किया है, इस पर आप क्या कहना चाहते? बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए ऐसा काम और इन्हीं जैसे लोगों से अच्छा माहौल कायम होगा और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये माहौल अच्छा बाकी रहेगा।
समाज को मैसेज ये देंगे कि भाई अपना जो दूसरे का हक है वो अदा करें, अपनी तरफ से नरमी, मिजाज में नरमी पैदा करें, मोहब्बत को फैलाएं, एक दूसरे से खुश अखलाकी से मिलें, अखलाक मोहब्बत और आपस के भाईचारे को फ़रोग दें। और ये उसी वक्त हो सकता है जब आदमी जो दूसरे का हक है हम पर वो अदा करे। अगर हम दूसरे का हक अदा नहीं करेंगे, सिर्फ अपना हक तलब करेंगे, तो इससे हंगामा और फसाद होता है। इस्लाम का ये बुनियादी उसूल है कि दूसरे से हुकूक तलब मत करो, बल्कि दूसरे के हुकूक जो तुम पर हैं उनको अदा करने की कोशिश करो। ये करेंगे माहौल खुद ब खुद खुशगवार होगा और इंशाल्लाह मुल्क और कौम मिल्लत की तरक्की। मोहम्मद रेहान जी, तो ये जो है मस्जिद इंतजामिया की तरफ से कुछ मरकानी जी को गिफ्ट दी जा रही है, ठीक है, आइए इसको इसको कबूल किया जाए। हमने अभी अभी कहा कि भाई आप लोग इतने आदमी हैं और मुसलमान में एक यूनिटी है, ये बहुत सबको मालूम है, तो ये मस्जिद बनाना 2-3 करोड़ रुपया कोई बड़ा बात नहीं है। 300 मुसलमान 1 लाख करके निकालेगा तो हो जाएगा। तो पहला 1 लाख हम अनाउंस करते हैं, पहला 1 लाख हम अनाउंस करते हैं। आप लोग आगे बढ़िए और मस्जिद को फिर से बनाइए। एक बार यही आप बोलिए।